Let's have a discussion today on the basis of the kinematics in 1D and 2D dimension. First of all, we need to make it understand what is kinematics in 1D and 2D. So, देखो सबसे पहले जो हम लोगों को जानना होता है कि 1D kinematics और 2D kinematics का अंतर क्या है ना? तो जहां तक 1D kinematics का सवाल है, जिसको सिंपल सा हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, सिंपल अंडरस्टैंडिंग जिसको हम समझते हैं कि स्ट्रेट लाइन मोशन है ना, स्ट्रेट लाइन मोशन। अब सवाल है कि ये स्ट्रेट लाइन मोशन को हम लोग काफी लोअर क्लासेस से पढ़ते हुए इसके बारे में, और स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में जो बेसिक बातें हैं वो हम लोग लगभग सभी को ही लेवल से पढ़ते हैं। वो क्या है कि इसके रिलेटेड इक्वेशंस जो होता है, रिलेटेड मैथमेटिकल इक्वेशन है ना, रिलेटेड मैथमेटिकल इक्वेशन। ये रिलेटेड मैथमेटिकल इक्वेशंस सभी लोग जानते हो, जैसे कि वो होता है एस इज इक्वल टू वी टी, दूसरा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस और माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा हो गया v बराबर u प्लस माइनस ए टी, और चौथा हो गया v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस माइनस 2as। अब सबसे पहला हम लोग को ये समझना होगा कि ये इक्वेशन हम लोग स्कूल लेवल से पढ़ रहे हैं, तो फिर क्या बात है कि उसी इक्वेशन को फिर से इलेक्ट्रिकल में भी पढ़ा जाए और equations of motion है ना in 1D यानी straight line। straight line का ये चार equations को fundamental motion कहा जा सकता है। और सबसे पहला बात, इस equations में एक बहुत common और बहुत conceptual point है जिस बात को हम लोगों को यहाँ सीखना है, learning points और special points about these equations, special points about these equations, these equations के बारे में special points क्या क्या है। पहला तो ये है कि above equations are based on vector relation। वेक्टर रिलेशन कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग जो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं, ये अबव इक्वेशंस आर बेस्ड ऑन वेक्टर रिलेशन। कहने का मतलब है कि जो चारों इक्वेशंस हम लोगों को दिख रहा है, ये चारों इक्वेशन में एक्सेप्ट टी, टाइम का टर्म टी को छोड़ के बाकी सभी फिजिकल क्वांटिटी जो है, चाहे वो एस हो, यू हो, वी हो या ए, ये सभी वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज है ना, ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज बन गया। यानी कि पहला बात तो है कि हम लोग को पहला बात दिमाग से ये निकाल देना है कि एस डिस्प्लेसमेंट है, जो कि वेक्टर का इस्तेमाल हो रहा है, ये डिस्टेंस है नहीं। यू और वी दोनों वेलोसिटी है, जहां यू इनिशियल वेलोसिटी है और वी क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और ए क्या हुआ, ए हुआ एक्सेलरेशन।